आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कौमी टाइम्स और मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया हाशिम। आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने सियाहती मुकाम से बर्फ़ हटाने के काम का लिया जायज़ा। इस दौरान उन्होंने बदरवा में भी कई सियाहती मुकाम का किया दौरा। नवा बाजार श्रीनगर में दौरा निशाबाग की एक होलनाक वारदात। 6 रिहायश मकानात खाकस्तर, करोड़ों रुपयों की इमलाक राख के ढेर में तब्दील। बड़गाम में एक CRPF अहलकार ने अपनी सर्विस राइफल से अपनी ज़िंदगी का किया खात्मा। कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, कई इलाके जात में सड़क रबते मुनकता। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 7.6 सेंटीमीटर बर्फ़ दर्ज। SWD डोडा ने नशा मुक्त हिंदुस्तान पर सिलसिलावार सरगर्मियों का इनाकात किया। 28 में बैदारी रैली से बहस मुबाजा और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी डोडा में किया गया पेंटिंग मुकाबला। हंदवाड़ा के एक नौजवान ने खून का अतिया करने में रिकॉर्ड कायम किया। तफसीलात के मुताबिक राजपुरा हंदवाड़ा के एक 33 साल ग्रेजुएट नौजवान इम्तियाज़ अहमद नामी ने सब डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में 55 बार खून का अतिया देकर कई जिंदगियों को बचाकर इंसानियत का अजीमुलशान रिकॉर्ड कायम किया है। महकमा नेफ्रोलॉजी की तरफ से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने गुर्दे की सेहत से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आज गुर्दे का आलमी दिन मनाया। ज़िला शुपियां से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने लॉ की डिग्री कर रहा है, ने पेंटिंग की दुनिया में धूम मचा दी और स्टेट लेवल पेंटिंग मुकाबले की तैयारी में है। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार ने आज लद्दाख के आइस स्टॉक खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने हाल ही में गुलमर्ग में 7वें आइस स्टॉक स्पोर्ट्स खेलों में लिया था हिस्सा। पीर पंचाल के आर पार खराब मौसमी सूरत हाल बददस्तूर जारी, आइंदा 3 दिनों तक मौसमी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं, महकमा मौसमियात। करना कुपवाड़ा की 33,000 किलोवाट तरसीली लाइन 2 रोज़ा से बर्फबारी की वजह से मुतासर, लोग गुप्त अंधेरे में, इंतजामिया से फौरी तौर पर बिजली बहाल करने की मांग। रेशवारी आवरा कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ताहिर अहमद खान ग्वालियर मध्य प्रदेश में फौजी ड्यूटी पर दिल का दौरा पड़ने से हुए फौत, आज उनकी लाश को उनके आबाई गांव रेशवारी में पहुंचाया गया, जहां उनकी लाश को देखकर ही मातम छा गया। कश्मीर में शदीद बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी, कई बालाई इलाकों के सड़क रबते ज़िली हेडक्वार्टरों से मुनकता, आवाम मुश्किल के बवर में। SSP अनंतनाग संदीप चौधरी ने मीडिया को खांडीपुरा बिज बिहाड़ा के इनकाउंटर के मुतालिक जानकारी दी। उस इनपुट के आने के बाद हमने इंडियन आर्मी की 3RR और CRPF की लोकल यूनिट को साथ लेकर गांव खांडीपुरा अनंतनाग में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह के भी कुछ घंटों तक ये ऑपरेशन खींचा। इस ऑपरेशन के दौरान हमने जो अंदर आतंकवादी थे उनको मौका दिया, अनाउंसमेंट्स की कि आप सरेंडर करें, बिकॉज हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि लड़कों को किसी तरीके से बचाया जाए, बट दे रिफ्यूज टू सरेंडर एंड दे फायर्ड अपॉन आवर पार्टीज। उसके पूरा हो गए हैं, आइडेंटिटी उनकी अभी असर्टन की जा रही है और वेपन्स और अदर आर्म्स एंड एम्यूनिशन की रिकवरी हुई है। थैंक यू। जब महराज पर मिस हनीफा खान ने अहल इस्लाम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया हाशिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।